वेलकम बैक टू आवर चैनल एडबिन टेक्नोलॉजीज। एडुप्लस स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर विच इज़ वेरी पॉपुलर एंड यूनिकोड स्कूल ईआरपी सॉफ्टवेयर। आज हम आपको इस सॉफ्टवेयर में ये बताने वाले हैं कि कैसे स्कूल में जो आप स्टेशनरी हो या टाई बेल्ट्स हो या डायरीज हो, जो भी स्कूल से आप बच्चों को प्रोवाइड करते हैं मटेरियल्स, टाइम ऑफ एडमिशन, लेटर ऑन, जो भी है, उसको कैसे हम मैनेज करेंगे इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। जैसे कि उसको एक सेट बना लेते हैं और एक स्टूडेंट को एक कंप्लीट सेट देते हैं, जिसमें कि होगा टाई भी होगी, बेल्ट भी होगा, स्टूडेंट का आईडी कार्ड भी होगा और कुछ बुक्स होंगी, वो आप देते हैं। तो स्टूडेंट्स को कैसे चार्ज करेंगे ये सारी चीज़ें इस सॉफ्टवेयर में, उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो बेसिकली ये बुक्स, टाई, बेल्ट, ये सब आप वेंडर से बाय करते हो या खुद का डिज़ाइन करवाते हो या प्रिंट करवाते हो, तो आप वो भी मैनेज कर सकते हो। एंड सेकेंडरी, जैसे कि आपने अपने स्टॉक में मैनेज कर लिया, तो अब हर एक स्टूडेंट को आपको देना है, तो उसको भी कैसे इंटर करेंगे वो देखते हैं। और इसका एक प्रॉपर कंप्लीट स्टॉक भी मैनेज हो जाएगा कि आपने कितना परचेज किया था, कितना किसी स्टूडेंट्स को दिया है, कितना बैलेंस है। तो फ्रेंड, वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन और नोटिफिकेशन के लिए प्रेस कर लीजिए। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि हम आइटम क्रिएट कर लेते हैं। मास्टर्स में जाते हैं और यहाँ पे देख पा रहे हैं आइटम्स, सेट एंट्री, अदर चार्जेस। तो हम सबसे पहले आइटम में चलते हैं। यहाँ पे हमने कुछ आइटम ऑलरेडी बना रखा है और यहाँ पे नया बनाने का ऑप्शन होता है। जैसे कि हमने बुक्स बना ली है, आईडी कार्ड बना ली है, स्कूल डायरी बना ली है, टाई एंड बेल्ट बना ली है। अभी अगर कोई अलग से मटेरियल रिक्वायर्ड है, जैसे कि हमने स्टूडेंट को क्ले होता है, जो बच्चों को गेम्स वगैरह खेलने के लिए देते हैं वो, तो ये क्ले ले लो आप। और यहाँ पे सपोज इसमें कंपनी पूछता है, तो जो भी आप कंपनी का लेके आते हो वो डाल, इसका प्राइस ले लो 50 रुपीज़। छोटे बच्चों को हम लोग देते हैं ये क्ले वगैरह खेलने के। ये इस तरह से आपको जो भी आइटम देना है वो आप आइटम बना लो यहाँ पे, जैसे कि है टाई एंड बेल्ट, स्कूल डायरी, आईडी कार्ड, ये सब कुछ बना सकते हो आप। और अगर आपको लगता है कि यहीं कुछ चेंजेस होना करना है, तो यहाँ पे सिंपली आपने यहाँ पे एडिट बटन में क्लिक करना है और यहाँ पे जाके आप उसका नाम और प्राइजिंग वगैरह चेंज कर सकते हो। जैसे कि बुक्स की प्राइजिंग एक कंबाइंड इसको 1500 रुपये मैंने कर दिया, और इसकी जो ओपनिंग स्टॉक है 50 कर दिया, और इसको अपडेट आपको ऑटोमेटिकली आइटम यहाँ पे चेंज होता है। तो इस तरह से आइटम में सबसे पहले अपने आइटम की एंट्री कर लेनी है। क्लोज करते हैं इसको। इसके बाद क्या करते हैं फ्रेंड, सेट एंट्री। सेट एंट्री में आते हैं और जो भी मटेरियल, जो भी स्टेशनरी, बुक्स, टाई बेल्ट, जो भी आपके पास है, उसका एक कंबाइंड सेट बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, न्यू में क्लिक करेंगे। जैसे ही न्यू में क्लिक करते हैं तो बाकी चीजें एक्टिवेट हो जाती हैं। जैसे देखिए, इंटर आइटम्स दैट अपीयर बाय डिफॉल्ट इन दिस सेट, जो जो एक सेट में आना है वो यहाँ पे आइटम के नाम डालने हैं। तो सबसे पहले हम सेट का नाम डालते हैं। प्रीसेट, हमने प्रीसेट नाम से एक सेट का नाम बना लिया, या आप जो भी चाहें वो नाम यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे हमने बना लिया एंट्री बुक, या जो भी आप बनाना चाहें आप रख सकते हैं। इसमें क्या क्या देने वाले हैं आप, जैसे इसमें आप दे रहे हैं टाई बेल्ट का आइटम ऐड कर लीजिए, दूसरा क्या देने वाले हैं, स्कूल डायरी का आइटम ऐड कर लीजिए, और साथ में क्या देने वाले हैं, आईडी कार्ड का भी आइटम ऐड कर लीजिए। क्ले तो सबके लिए मैंडेटरी नहीं है और बुक्स भी सबके लिए मैंडेटरी नहीं। तो हमने क्या किया, इसका एक सेट बना लिया सिर्फ 3 आइटम के लिए। अगर आपके पास और भी आइटम है तो यहाँ पे आप इसको ऐड भी कर सकते हो और यहाँ से एडिट भी कर सकते हो। तो हमने 3 आइटम का एक सेट बना लिया। ये रेट है, ये सही चीज़ें सेज करेंगे तो ये पूरा का पूरा जो एंट्री बुक सेव है, इसको एंट्री बुक की जगह में आप रख सकते हो। इनिशियल रिक्वायरमेंट, जो भी आप चाहो नाम रख लो, कोई वो नहीं है। हमने क्या किया, इसके बाद इसको क्या किया, सेव कर, तो सेटिंग हैज बीन सेव्ड। अब आप देखेंगे इनिशियल रिक्वायरमेंट के नाम से वो सारा सेटअप रेडी हो गया। इसी तरह एक और बना लेते हैं,
बुक सेट वन, हमने यहाँ बुक सेट वन रखा, प्राइस वन हो गई। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने एक बुक सेट बना लिया, इसको इस तरह से हमने दो सेट बना लिया। आप अलग अलग बुक्स के अलग अलग सब्जेक्ट्स के सेट बना सकते हो, जैसे कि साइंस की बुक, अलग अलग बुक्स हैं, वो सबका सेट बना सकते हो फ्रेंड। इस तरह से आपने इसको क्या किया, यहाँ पे सेट बना लिया, आइटम बना लिया और सेट बना लिया। अदर चार्जेज, अगर कोई अदर चार्जेज हैं तो भी लगा सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की। सिंपली हमें क्या करना है, आइटम और सेट एंट्री करना है। अब जो देखते हैं ये जो बनाने के बाद हम कैसे बच्चों को असाइन करेंगे, कैसे बच्चों को सेल करेंगे, ये सारी चीज़ें। उसके लिए क्या करना है, आपको मटेरियल इशू में आना है। उसके पहले स्टॉक परचेज कर लेते हैं कि कहाँ से ये मटेरियल हमारे पास आ रहा है। सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, एक पार्टी होगी। सपोज ये हमने एक पार्टी बना ली, गॉड ब्रदर्स, ये एक शॉप है, स्टेशनरी शॉप है, गॉड्स गॉड ब्रदर्स स्टेशनरी, ये हमने एक शॉप बना ली। ये क्या है, सेकेंडरी क्रेडिट है, और इसमें उनकी इंफॉर्मेशन रख लेनी है और इसको सेव कर देना है। तो जैसे ही हमने यहाँ बना लिया, तो अभी हम क्या करेंगे, इन पार्टी का नाम ले लेंगे, जो जो हमारे पार्टी होंगे, जो हमें सप्लाई करते हैं, जिनसे हम सामान लेते हैं, बुक्स वगैरह, उनके नाम यहाँ पे आ जाएंगे। हमने नाम ले लिया और यहाँ पे देख पा रहे हैं हमें क्या क्या परचेज करना है उनसे। जैसे कि हमने उनसे बुक्स परचेज कर ली, कौन सी बुक्स, जो भी बुक्स हैं आपकी, जो भी एप्लीकेशन की है, 50 पीस आपने इनसे परचेज कर ली 1200 रुपये में, आपके पास स्टॉक आ गया। देखिए फ्रेंड, इस तरह से आपके पास ये स्टॉक हो गया। ऐसे अलग अलग पार्टी से और भी आइटम, जैसे इनसे बुक लिया है, अब टाई बेल्ट वगैरह किससे लिया है उसका भी ले लेंगे। तो इस तरह से आप उसको मैनेज कर सकते हैं कि हमारा मटेरियल कहाँ कहाँ से आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक और वेंडर ले लिया, गीता स्टूडियो। ये गीता स्टूडियो क्या करते हैं, ये आईडी कार्ड वगैरह प्रिंट करते हैं और सप्लाई रख दिया यहाँ पे और सेव कर दिया। अब जब हम क्या करेंगे, एक नया, आप देखेंगे हम एक नया स्टॉक परचेज करते हैं, बिल नंबर ले, स्टॉक में क्या है, मान लीजिए बिल नंबर 12 था, यहाँ पे गीता स्टूडियो का नाम डालेंगे। देखिए गीता स्टूडियो आ गया, आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इनसे क्या क्या लेना है आपको, सपोज आपने उनसे आईडी कार्ड लिया, तो आईडी कार्ड की क्या प्राइसिंग है वो डाल दिए, जो भी प्राइस में आप लिए वो डाल दीजिए, और कितने पीस लिया आपने, आपने 100 पीस लिया। रिमार्क्स, रिमार्क्स डाल दीजिए, स्टूडेंट आईडी कार्ड, स्टूडेंट आईडी कार्ड, ये आपने 15 रुपीज, तो 1500 रुपये उसका स्टॉक आ गया। सिमिलरली आपने इसको डायरी भी लिया और वो भी नहीं से ले रहे हो सपोज, तो आप क्या करना है, स्कूल डायरी भी लेना है, कितनी क्वांटिटी में लेना है वो डाल देना है। जैसे कि आपने 100 ले लिया, स्कूल डायरी की प्राइस 22 रुपये ले लिया आपने। टाई बेल्ट भी आप इन्हीं से ले लो, कितनी लिया, 100 पीस ले लिया आपने, और इसकी कीमत है 30 रुपये। इस तरह से ये आपके स्टॉक में आ गया कि भाई इतने सामान आपके पास खरीदा गया है। अभी इनको पार्टी को पेमेंट भी करना होता है, तो वो सारा कुछ मेंटेन होता है इसके अंदर। जैसे ही अपडेट करोगे सारी चीज अपडेट हो जाएंगी। अभी क्या करते हैं, बच्चों को मटेरियल इशू करते हैं, जो मेन हम डिस्कस कर रहे थे, कैसे बच्चों को आइटम सप्लाई करेंगे। तो बेट यहाँ पे हमें क्या करना है, बिल नंबर, एडमिशन नंबर, हम बच्चों का एडमिशन नंबर करेंगे जिसका कि हमें ये देना है। तो यहाँ से हम सर्च कर सकते हैं स्टूडेंट का नाम, क्लास वन में हम पहले सेल करते हैं, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं क्लास वन में बच्चों के नाम आ गए हैं ये। तो हम सबसे इस बच्चे को यहाँ पे बुक सेट वन दे रहे हैं, उसका एडमिशन नंबर ऑटोमेटिकली आ गया, उसका नाम यहाँ पे आ गया, फादर का नेम आ गया, क्लास आ गया ऑटोमेटिकली। क्या क्या देने वाले हैं, इनिशियल रिक्वायरमेंट हर बच्चे के लिए कंपलसरी कर रखा है स्कूल ने, तो ऑटोमेटिकली उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ चुकी है, देख ऑटोमेटिकली आ गई यहाँ पे। इसको क्या करेंगे, उसके अलावा एक फिर से और आइटम देंगे, इस आइटम को एंट्री कर लिया। उसके अलावा आपने क्या देना है,
उसके अलावा आपको देना है बुक सेट वन। जैसे ही बुक सेट करेंगे कितना देना है, वन, कंपनी का नाम आ गया देखो यहाँ पे, और स्टॉक में 99 है और सारी इस तरह से इनका टोटल चार्ज आ गया। क्वांटिटी 5, टोटल अमाउंट 3072, बिल अमाउंट 3072, अमाउंट रिसीव 3072। और ये आपको कैसे मिले हैं, अगर कार्ड में मिले हैं तो कार्ड में, जैसे भी मिले हैं आप उसको ले लीजिए। यहाँ पे कैश में ले लिया आपने और इसको सेव कर दिया, इस तरह सेल ट्रांजेक्शन आपकी सेव हो गई। डू यू वॉन्ट टू प्रिंट? यस, हम इसको प्रिंट भी कर सकते हैं और बच्चे को हैंड ओवर कर सकते हैं। तो आपने देखा इस तरह से आपके स्कूल की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाती है, बच्चों का डिटेल आ गया आपका, उनको क्या क्या परचेज किया है, सारा कुछ इसमें आपको दिखा देता है। तो फ्रेंड इस तरह से इस सॉफ्टवेयर में आपने अपने स्टॉक का सेल परचेज इन्वेंट्री मैनेज करना है। तो चलिए स्टॉक दिखाते हैं। मटेरियल इशू रजिस्टर, आपने जितना भी मटेरियल इशू किया वो यहाँ पे आ जाएगा, किस बच्चे को किया वो भी दिखाएगा। इसको प्रिंट निकाल सकते हो, एक्सेल में डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। स्टॉक परचेज रजिस्टर खोलोगे तो जो जो आपने परचेज किया है गौर ब्रदर्स या गीता स्टूडियो से वो भी सारा दिखा रहा है। टोटल 67,000 का 350 है, ऑर्डर में है आपका। तो ये सारी चीज़ें आपको स्टॉक में सेट वाइज दिखाएगा बिल, अगर अलग अलग सेट का दिखेंगे तो अलग अलग सेट का भी बिल दिखाएगा। तो ये रहा आपका स्टॉक मैनेजमेंट इन स्कूल आइटम्स सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, ठीक है? तो इस तरह से आपको इसको मैनेज करना फ्रेंड। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो, आपको लाइक जरूर कर लीजिएगा, और अगले टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे, उसके लिए हमारे वीडियो को बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।